हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। आरएसएस दावा कर रही है कि वो पश्चिम बंगाल में हिंदू हितों को बचाने के लिए काम कर रही है, लेकिन एक खुलासे में सामने आया है कि आरएसएस और उससे जुड़े हिंदू संगठनों के लोग जबरन वसूली, तस्करी और वेश्यावृत्ति में शामिल हैं। इंडिया रेजिस्ट्स ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि उसको कुछ ऐसी फोन रिकॉर्डिंग हाथ लगी है जिससे ये साबित होता है कि राज्य में उग्र हिंदू संगठन जबरन वसूली, तस्करी और वेश्यावृत्ति के काम को अंजाम दे रहा है। ये भी बताया गया है कि एक बांग्लादेशी अप्रवासी सयूर रहमान के जरिए इन कामों को अंजाम दिया जाता है। सयूर और उस जैसे कई बांग्लादेशी अप्रवासियों को इन हिंदू संगठनों ने ये काम दिया है। वो इनसे नफरत को बढ़ावा देने और दंगे भड़काने का काम भी कराते हैं। इसके बदले इन लोगों को भारतीय नागरिकता दिलाने का वादा किया गया है। इन फोन रिकॉर्डिंग में भादवान के हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष अमित रॉय के खिलाफ भी सबूत हाथ लगे हैं। अमित रॉय सयूर रहमान को जानता है। वो रहमान से महिलाओं की तस्करी के विषय में बात कर रहा था। इसके अलावा खुद को भगवान अवतार बताने वाले एक बाबा अंबिकानंद भी इस पूरे खेल में शामिल हैं। एक बजरंग दल नेता ने नाम ना बताने की शर्त पर इंडिया रेजिस्ट्स को बताया कि ये लोग हमारी हिंदू बहनों की वीडियो बनाते हैं और फिर उन्हें धमकाकर गलत काम कराते हैं। अपने नेताओं के लिए भी ये लोग इन महिलाओं का इस्तेमाल करते हैं। सयूर रहमान को कई बार पुलिस भी पकड़ चुकी है, लेकिन त्रिपुरा के राज्यपाल तथागत रॉय और पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष उसे हर बार बचा लेते हैं। माई द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप अपना कुछ फीडबैक या सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड द न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता चल सके। तो देश दुनिया की सनसनीखेज और मजेदार खबरों के लिए देखते रहे माइंड द न्यूज। नमस्कार। सब्सक्राइब करना ना भूलें।